पेट्रोलस में किचन, आज हम आपको गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाने चल रही हूँ। आइए मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए, मैंने ये बड़े बड़े आलू ली हूँ। ये देखिए बॉयल हुआ आलू है, ये देखिए अदरक है, हरी मिर्च है, और ये गरम मसाला है, और ये देखिए दो पिंच हींग है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पत्ती है। अब मैं आगे मैश करके आलू को मैश करके दिखा रही हूँ। नमक है देखिए, और मैं आगे ये मैश करके दिखा रही हूँ। ये देखिए आटा ली हूँ और रिफाइंड ली हूँ। गाइस देखिए, ये मैं मैश करके आगे मैं आपको इसका भरता बना के दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए, भरता मेरे रेडी हो गया है। अब मैं ये देखिए क्या कहते हैं, कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई गर्म हो तो मैं इसमें जीरे का तड़का देख के, और क्या हो रहा है, देखिए ये आटा रखी हूँ। अभी भरता जब रेडी हो जाए तब मैं आटा सानती हूँ। आटा मैं मोयन डालूंगी देखिए, और इसमें नमक डालूंगी। अभी मैं आपको आटा सान के दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, कढ़ाई हो गई है मेरी। ये देखिए मैं रिफाइंड डाल रही हूँ, ये हो जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसमें जीरा डालूंगी, जीरा चटकने लगेगा तब मैं हरी मिर्च डालूंगी। ये देखिए थोड़ा सा जीरा चटक, अब मैं इसमें हरी मिर्च डालती हूँ। इसके बाद मैं देखिए अदरक डालूंगी और एक चीज हींग हो जा रहा है, तब मैं आलू डालूंगी। ये मैच के आलू है, इसमें धनिया पत्ती आप जितना डालिए उतनी अच्छी खुशबू खूब आती है। जाड़े में तो धनिया की पत्ती और हरे मिर्च के पराठे खूब बनाइए, अच्छे लगते हैं। अभी अदरक हो गए देखिए, ये देखिए जीरा भी हो गया मेरा। अब मैं इसमें आलू मैच की हुआ आलू में डाल रही हूँ। फिर अब मैं इसमें ये सब मसाला डाल दे रही हूँ। ये देखिए ये मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और ये मैं जीरा पाउडर बनाऊंगी। ये देखिए जीरा पाउडर डाल रही हूँ, इसको मैंने घर बनाया है। और मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल रही हूँ। और ये भूनने के बाद मैं इसमें धनिया पत्ती डाल रही हूँ। इसके बाद आपको मैं आलू दिखाती हूँ। गाइस देखिए, इसमें खूब धनिया पत्ती डाल दी मैंने। ये देखिए, ये देखिए, ये भरता ठंडा हो जा रहा है तो मैं आपको पराठे बना के दिखाती हूँ। देखिए जब तक भरता ठंडा हो रहा है तब तक मैं इसमें इसका आटा जो है आटा इसका माड़ के आटा इसका वो कर दे रही हूँ, डो बना ले रही हूँ आटे का। तब तक मैं आटा सान के आपको, मैं रिफाइंड डाल के आटा सान के मैं आपको अब पराठा बना के दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, आटा का बिल्कुल डो रेडी हो गया। ये देखिए अच्छा सा डो बिल्कुल बन गया, और ये देखिए भरता बिल्कुल रेडी है। अब मैं एक तो आपको बेल को इसका सेक के दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, ये आलू का पराठा गरम गरम मैं बना के दिखा रही हूँ। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, मैं नई नई वीडियो बनाती हूँ। और मेरे बेटे का भी चैनल है अनंत ड्राइंग ट्यूटोरियल्स के नाम से, मेरे बेटे का भी है। आप लोग उसका भी चैनल देखिए, उसका भी लाइक करिए। और ये देखिए मैं बेल के आपको अच्छे अच्छे फुले फुले पराठे दिखाती हूँ। इसको आप गर्मा गर्म खाइए और मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं नई नई वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलती हूँ। आप मेरा ये चैनल आगे बढ़ाइए, आप लोग लाइक करिए मेरा चैनल। ये देखिए गर्मा गर्म पराठा खाइए आप लोग, मैंने इसको बहुत इजी तरीके से बनाया है।
और मेरा चैनल जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और मैं एक पराठा और बना के बेल के आपको दिखाती हूँ। ये पराठे देखिए बन रहे हैं गाइस, ये देखो फुले फुले पराठे बन रहे हैं, ये देखिए फुले फुले पराठे बन रहे हैं। इसको आप बटर के साथ या टमाटो सॉस के साथ खाइए। ये देखिए फूल रहे हैं पराठे। और आप ये देखिए, ये फुले फुले आपको पराठे में दिखा रहे हैं, ये देखिए। ये देखिए लाल लाल पराठे। गाइस ये छोटी सी वीडियो मेरी कैसी लगी आपको? ये मेरा पराठा खाइए आप लोग गर्मा गर्म, टमाटो सॉस दही से और बटर लगा खाइए। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल आगे बढ़ाते रहिए। और तब तक के लिए बाय बाय।